शिक्षा नगरी कोटा में कोरोना संक्रमण ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है और इसी के तहत स्टेशन इलाके में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पुराने कोटा के अधिकतर इलाकों को सील कर दिया गया है। तो वहीं आशा सहयोगिनी की टीम भी घर घर जाकर सर्वे कर रही है और साथ ही नगर निगम सहित दूसरी टीमें भी सैनिटाइजेशन और स्प्रे का काम कर रही है। तो वहीं पुलिस के जवानों ने भी चप्पे चप्पे पर नजर रखना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के लगातार फैल रहे संक्रमण के बाद पुराने कोटा के अधिकतर इलाकों को पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया है। ऐसे में आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है, साथ ही इलाके के जो लोग हैं उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इस समय मैं खड़ा हूँ मकबरा इलाके में और इस इलाके को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन सहित जो चिकित्सा विभाग के लोग हैं, साथ ही ठेला फुटकर समिति के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर स्प्रे का काम कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी ना तो इलाके के लोगों को हो और ना ही किसी भी तरह की कोई परेशानी इन लोगों को हो, इसके भी पूरी एहतियात बरती जा रही है। सर्वे करने के लिए यहाँ टीम मौजूद है, लगातार यहाँ पे सर्वे कर रही है। मकबरा थाने एक जो है उसके बाहर का ये एरिया है उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। घरों में रहने वालों को बोला जा रहा है कि आप घरों में रहें, बाहर ना निकले, और इसी तरह से पूरे इलाके में ये काम किया जा रहा है। साथ ही गाड़ियों को भी यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। मेरे साथ जो सीआई है मोबिन खान जी, इनसे ये भी मौजूद है, इनसे जानते हैं सर किस तरह की पुलिस की व्यवस्था है, क्योंकि लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, तो अपने इलाके में किस तरह की पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है आप लोगों की तरफ? पूरी तरीके से जाब्ता डिप्लॉय है और सभी जगह के सील बंद करके कर्फ्यू को पूर्ण पालना की करवाई जा रही है, और उसके अंदर जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो उपभोक्ता से खाना आ रहा है वो खाना बंटवाया जा रहा है, दूध आ रहा है दूध बंटवाया जा रहा है, दवाइयाँ हैं तो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन घर से बाहर किसी को नहीं निकलने दिया जा रहा है। नाके बना दिए गए, पॉइंट बना दिए गए, जगह जगह जाब्ता लगा हुआ है। मैं स्वयं दो पार्टियों के साथ गश्त के अंदर रहता हूँ इलाके के अंदर पूरी तरीके से, और पूरी व्यवस्था बनाई हुई है, इनकी सुरक्षा शांति है बिल्कुल। सर हमने भी देखा है आप लगातार मुस्तैद हैं, अपने जो जवान हैं उनको भी आपने लगातार मुस्तैद कर रखा है, 24 आवर्स आप बिल्कुल मुस्तैद हो, तो जरूरत पड़ सकती है कि आगे जैसे आरएसी के जवान हो या किसी और को बुलाने की? बिल्कुल, रिजर्व फोर्स है हमारे पास, फोर्स की कोई कमी नहीं है, पूरी तरीके से रिजर्व फोर्स है। मेरे पास भी आरएसी के 24 जवान रिजर्व बैठे हुए हैं, यदि कोई जरूरत पड़ती है खुदा न खास्ता तो बिल्कुल हम डिप्लॉय करेंगे उनको, तुरंत इस्तेमाल में लेंगे। तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है, यहाँ से किसी के संक्रमण की स्थिति ना पैदा हो इसके लिए भी लगातार यहाँ पे मुस्तैदी की जा रही है। लोगों से भी यहाँ पे अपील की जा रही है कि अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसके बुखार हो या खांसी हो तो उसकी तुरंत जानकारी दें ताकि उसको उसका इलाज हो सके, स्वास्थ्य विभाग की टीम उसकी निगरानी कर सके, ताकि जो वो किसी के टच में ना आए, ताकि ये संक्रमण कहीं ना कहीं इलाकों में फैलने से बचे। तो लगातार पुलिस यहाँ पे मुस्तैद है और लगातार यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है, और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है जिससे कोरोना के संक्रमण की चेन टूट सके। इस समय सहयोगी राजन भारद्वाज और कैमरा पर्सन दीपक के साथ योगेन महावर, A1 TV कोटा।